पिता की छुअन का एहसास तो याद नहीं, लेकिन एक छाया जैसी जरूर महसूस करता हूँ। पुनर्जन्म यकीन नहीं, लेकिन अब भी उनकी उपस्थिति महसूस करता हूँ। इसीलिए आज भी ईश्वर को याद करने से पहले पिता को याद करता हूँ। पुराना शहर और शहर के साधारण से आम आदमी और उनकी सच्चाई और ईमानदारी भरी जिंदगी, जो सभी को मिलजुल कर रहने व सच्चाई की राह पर चलने की सीख देती थी। मैं और मेरे पिता श्री केपी मिश्रा जी। पिताजी ने हम सभी भाई बहनों में अच्छे मानवीय मूल्य भरने की कोशिश की। मेरी माँ आज भी उनकी बातें बताकर हमें वे हमारी नई पीढ़ी को सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। पिताजी के स्वर्गवास को आज 49 वर्ष हो गए, लेकिन इन गुजरे हुए वर्षों में उनके एहसासों की, आशीर्वाद की छाया निरंतर हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। पुलिस विभाग में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी से करते हुए अपना जीवन जिया और एक दिन सत्यमेव जयते के लिए ऑन ड्यूटी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ऐसे थे मेरे पिता श्री केपी मिश्रा जी। हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पिता ने देशभक्ति, मानवीयता, ईमानदारी और पारिवारिक एकजुटता के जो गुण अपने परिवार को दिए, वह अगर मुझ में हैं तो बने रहें, अगर नहीं हैं तो मुझ में आएं। और हाँ, हर जन्म में यही पिता मिलें पर साथ थोड़ा लंबा चले।